हेलो गाइस, चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए मेरा चैनल का सुपर टेक चैनल। तो अभी हम आपको बताने वाले हैं कि काइनमास्टर में कैसे एडिट करना है। तो प्ले स्टोर ओपन कीजिए सबसे पहले और यहां से आपको काइनमास्टर डाउनलोड करना है। काइनमास्टर यहां से डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद आपको कैसे एडिटिंग पूरा यूज़ करना है दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो काइनमास्टर प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। उसके लिए आपको अपना नेट चालू होना चाहिए सबसे पहले, तो इम्पोर्टेंट नेट चालू किया उसके बाद आपको यहाँ पे प्ले स्टोर में काइनमास्टर सबसे फर्स्ट वाला जो है वो आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे बहुत सारे हैं लेकिन ये सब दूसरे अलग अलग जो है उसमें ये मनी अर्न भी करना पड़ता है, अलग अलग जो आपको पे करके लेना पड़ता है। तो हमको फ्री सॉफ्टवेयर मिल रहा है वो आपको दिखाने वाला है। फर्स्ट वाला है वो, उसको हम अभी ओपन करेंगे। यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है और ओपन करने वाले है। जब फर्स्ट टाइम ओपन होगा तो आपको कैसे सेट करना है वो दिखाऊँगा। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है, प्लस वाला चिन्ह है। यहाँ पे सबसे पहले सेटिंग देख लेते हैं, सेटिंग कैसे क्या है। सेटिंग पे यहाँ पे आपको जो सब अपने आप सेट रहता ही है। यहाँ पे आप साइन करके अपना ईमेल आईडी भी डाल सकते हो और यहाँ पे आपको मैं नीचे आपको ये ड्रॉप करके आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे क्या है। पूरा ऑन ऑफ, फुल स्क्रीन मीडिया ऑफ है, जैसे जिस तरह से है वैसे आपको रहने देना है। खाली लास्ट वाला एक ऑप्शन आपको मैं दिखाऊँगा, वो आपको ऑन करके रखना है। यहाँ पे आपको मैं और एक चीज़ दिख रहा हूँ, ऑडियो और ये फोटो लोकेशन पूरा अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। तो इसको आपको जैसे है वैसे रहने देना और इसको एडवांस को कंटिन्यू अवे कर देना। ये अपडेट होगा तो कुछ नहीं बताएगा, नहीं होगा तो अपने आप हो जाएगा। अभी हम बैक जाते हैं और फर्स्ट कैसे आपको वीडियो लेना है वो दिखाएंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यू अवे ये कर दिया था, उसके बाद फर्स्ट आपको जो करना है ये ओपन किया, उसके बाद प्लस वाला चिन्ह जो है उसके ऊपर क्लिक करना है। तभी हम प्लस पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे 69 वाला जो है वो आपको जैसा वीडियो बनाना है उस तरीके से आप ले सकते हो। तो हम ये बीच वाला लिए है जो लंबा वीडियो बनाना है। तो आपको कैसे काइनमास्टर यूज़ करना है वो दिखाए हैं इसमें। तो एक अभी हम वीडियो लेंगे यहाँ पे, वीडियो उसको कैसे एडिट करेंगे पूरा आपको दिखाएंगे। यहाँ पे ये वीडियो मेरे पहले से एडिट है लेकिन इसको मैंने लिया है, उसको भी हम फुल स्क्रीन करने वाले। तो ये बीच वाला चिन्ह जो देख रहे हो तो उसके ऊपर क्लिक करके इसको आपको थोड़ा बड़ा करना है, लंबा खींचना है। इसको थोड़ा साइड से ऐसे आपको टच स्क्रीन पर जाके थोड़ा प्रेस करना है बड़ा। अभी हम टच स्क्रीन पे यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, उसके बाद प्रेस करेंगे थोड़ा, तो आपको जूम करके इसको प्रेस करना है स्क्रीन पे, टच स्क्रीन पे। तो ऐसे करके आपका जो वीडियो है वो बड़ा हो जाएगा। बड़ा करके अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो आ चुका है। तो अभी हम अभी इसको एडिट करेंगे और सबसे पहले ये मीडिया में से हमने वीडियो लिया। तो अभी हम ये लेयर में अलग अलग लेयर है, तो मीडिया लेयर ये अलग अलग लेयर है आपको। तो सबसे पहले हम अभी यहाँ से वीडियो लेना पड़ेगा, ये यहाँ से आप मीडिया में से वीडियो ले सकते हो। बैकग्राउंड वीडियो है तो यहाँ से बैकग्राउंड आपके अलग तरीके से सेट कर सकते हैं, लेकिन मेरे को नहीं रखना। लेकिन आपको मैं दिखाने के लिए यहाँ पे वीडियो का आगे मैंने लिया है ब्लैक वाला बैकग्राउंड। तो इसमें हम किस कुछ भी लिख के वीडियो का वेलकम या कुछ भी जो आपको एडिट करना है वो कर सकते हो। तो मैंने ये डिलीट कर देता हूँ और आपको जो करना है सिंपल सा वही मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से आप ऐसे बैकग्राउंड पूरा जो जिस कलर का आपको लेना है वो ले सकते हो। और इसमें आप कुछ भी लेके वेलकम या कुछ भी ऐसे विलन एंट्री या कुछ भी आपको जो चाहे मूवी का एंट्री जैसे होता है वैसे आप इस तरीके से यहाँ से आपको कुछ भी इसमें आप लिख के अपना एडिटिंग कर सकते हो। आपको जिस तरह चाहे फ़ोटो या कुछ भी रख के अपना या फिल्म के नेम होते हैं वैसे आप लिख सकते हो। और अभी हम आते हैं टेक्स एडिट, अरे इफेक्ट। तो वीडियो में हम इफेक्ट कैसे डालते हैं, तो यहाँ पे इफेक्ट है ये आप देख सकते हो। गेट मोर करोगे तो ऑनलाइन वाला आपको मिलेगा, यहाँ पर जो है वो दो ही इफेक्ट्स है। तो ये यहाँ से आप लिख सकते हो और यहाँ पर आपको लॉग इन करना रहेगा तभी हो पाएगा। तो यहाँ पर हमने एक इफेक्ट्स ये इफेक्ट्स वाला सिलेक्ट कर लिया है, ये आपको सिलेक्ट करना है जो चीज़ आपको वो करना है। हमने ये सिलेक्ट करके आपको यहाँ से प्ले करके दिखाता हूँ वीडियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे प्ले में ये दिखाएगा। तो ये आपको पूरा जहाँ तक रखना है वहाँ आप रख सकते हैं, पूरे वीडियो में भी। तो हमने पूरे वीडियो में कर दिया है, तो इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो और जिस तरह चाहे वैसे आप सेट कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा है। तो हम अभी इसको प्ले करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर बीच बीच में ये झपकारा जैसे मार रहा है, ये लाइट जैसा। तो ये ऐसे सेट कर सकते हैं आप वीडियो में जैसे बनाना चाहते हैं वैसे। तो बिजली कड़क रही है कुछ ऐसा, कुछ अलग सा ही दिखेगा वीडियो में, तो ऐसा भी आप सेट कर सकते हो। और हम आपको दूसरे दिखाएंगे कि कैसा आपको एडिट और करना है। तो यहाँ पे ये हो चुका है, अभी हम दूसरा और कुछ आपको यहाँ पे लेयर में दिखाएंगे। तो इसका ये थोड़ा मोबाइल हैंग हो रहा है दोस्तों, तो वेट कीजिए। और यहाँ पे थोड़ा मोबाइल में ज़्यादा स्पेस नहीं, उसकी वजह से ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है।
तो यहाँ पे अभी हम वापस हमने ये सिलेक्ट किया है और आपको दूसरा इफेक्ट और ये टेक्स्ट जो है वो दिखाने वाला है। यहाँ पे ओवरऑल लिखा है तो उसमें भी आपको अलग से इफेक्ट्स जो वगैरह है बेसिक इफेक्ट्स, तो यहाँ से ये दो इफेक्ट है आपको ये सिलेक्ट करके रखना है। आपको रखना है तभी सेट कर सकते हो, नहीं रखना है तो नहीं रख सकते हो। तो ऐसे आप अलग अलग इफेक्ट अपने वीडियो में या कुछ भी सिंपल सा वीडियो है उसमें एडिट कर सकते हो। तो क्लासिक स्टिकर, तो यहाँ से आपको ओवरऑल जो लिखा है तो उसमें से आप स्टिकर लगा सकते हो। मैंने नहीं लगाया, आप लगाना है तो लगा सकते हो कुछ भी। तो यहाँ से आप इसका स्टिकर जो चाहे वो सिलेक्ट करके लगा सकते हो अपने वीडियो में। और दूसरा आपको यहाँ पे आपको टेक्स्ट एडिट कैसे करना है, तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट का लेयर अलग से बनाया गया है, तो यहाँ से आप टेक्स्ट लिखा हुआ देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट लेयर कैसे एडिट, नाम आपका कुछ भी लिखना है वो आपको कैसे एडिट करना है वो दिखाऊंगा। सबसे पहले तो ये स्टिकर है अच्छे, लेकिन मेरे को पसंद नहीं है, गेट मोर करके नए ले सकते थे लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा उसके लिए नहीं लिए है। और यहाँ से आप ले सकते हो, लेकिन आपको रखना चाहे पसंद आए तभी रख सकते हो। तो यहाँ पे हमने नहीं रखा है और हम आगे, और दूसरा यहाँ पे जो आगे के जो टूल्स है वो दिखा रहे हैं काइनमास्टर के, इसका जो है ये हो गया। इसका यहाँ से स्टिकर नहीं लेना है तो मत लीजिए। और अभी हम आपको दिखाने वाले हैं टेक्स्ट एडिट, तो यहाँ से आप नाम वगैरह जो आपको जो लिखना है वो देख सकते हो। तो यहाँ पर हमने टेक्स्ट एडिट पर क्लिक किया है और यहाँ पर हम अभी जो आपको लिखना हो यहाँ पर लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने बॉस ने कैसे एंट्री मारी वो लिख रहे हैं, तो यहाँ पे बॉस लिख दिया। उसके बाद आपको इफेक्ट कैसे देना है तो इसको ओके कर दीजिए। और उसके बाद आपको इसको एनिमेशन भी कर सकते हो कि कैसे आपको ऊपर नीचे या कुछ भी उसके ऊपर एनिमेशन रखना है, तो लिख के उसके बाद आपको इसको ओके कर देना है। ओके किया उसके बाद यहाँ पे आप इन एनिमेशन लिखा है तो उसके ऊपर क्लिक करके इसको आपको वीडियो में जहाँ सेट करना है वहाँ पे रख के इसको आप एनिमेशन अलग अलग सेट कर सकते हो जिस तरह से रखना है जो रखना है वो। तो यहाँ पे हमें ये यहाँ पे सेट कर दिया। अब हम एनिमेशन सिलेक्ट करेंगे कि कैसे रखना है, तो एनिमेशन पे आपको सबसे पहले क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे कलर्स अलग अलग है सिलेक्ट कर ले, तो हमने रेड कलर सिलेक्ट किया। उसके बाद हम अभी जाएंगे वीडियो इसी पर ये एनिमेशन, तो यहाँ पे पॉपअप है जो स्लाइड राइट है, तो हमने स्लाइड राइट सिलेक्ट किया। आपको जैसा जो रखना है वो रख सकते हो। और टेक्स्ट हम डालेंगे यहाँ पे बॉस ने अभी मारी एंट्री, तो मारी लिख के हम थोड़ा और लिखेंगे। आपको जिस तरह बनाना है आप भी बना सकते हो, ये मैंने मेरे अपने तरीके से बनाए हैं, जिस तरह आपको चाहे वैसे बना सकते हो। तो ये बॉस ने मारी एंट्री है, तो ये अभी मारी लिखा है, तो इसको भी हम थोड़ा एनिमेशन अलग से देंगे, जिस तरीके से आप भी बना सकते हो। ये हमने थोड़ा इसको यहाँ आगे तक दिया है मारी, तो अभी एंट्री जो लिखना चाहते हैं तो वो भी हम बनाएंगे। ये बॉस ने मारी ये, तो इसको भी हम अभी रेड कलर कर देंगे। आपको दूसरा कलर करना है तो कर सकते हैं। तो ये रेड हो गया। अभी हम एंट्री मार रहे एंट्री लिखना चाहते हैं तो वो थोड़ा आगे लेंगे। इस तरीके से अपना वीडियो जो है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी इफेक्ट्स और डिजिटल सिनेमेट्रिक्स जैसा बनेगा। एक विलन एंट्री मारता है उस तरीके से बनेगा। तो ये एंट्री अभी लिख दिया, तो इसको हम वापस रेड कलर ही सिलेक्ट करके एनिमेशन थोड़ा अच्छा वाला कर देंगे। तो एंट्री वाला जो है ये, तो इस स्टेप को भी हमने कलर कर दिया है, एंट्री जो लिखा है, तो इसको हम यहाँ से अभी ऐसे एडिट कर सकते हैं जिस तरह से आपको चाहे वैसे। तो हम अभी यहाँ से स्लाइड अप, तो यहाँ को जो आपको पसंद हो वो आप कर सकते हो। उसके बाद आपको मैं वीडियो प्ले करके पूरा दिखाऊंगा कि किस तरह हमने बना के रखा है ये पूरा। ये टेक्स्ट हमने एडिट किया है, उसके बाद ये लेयर जो है वो आपको कैसे पूरा मीडिया में से, यहाँ से आप बैकग्राउंड भी अलग कर सकते हो। और अभी हैंड राइटिंग, या हैंड राइटिंग आप खुद से भी लिख के यहाँ से एडिटिंग कर सकते हो। और यहाँ पे इरेजर वगैरह जो आपको करना है, या इरेज करना है या कुछ भी लिखना है तो आप कर सकते हो ये। लेकिन हमने यहाँ से, और उसको कलर भी कर सकते हो यहाँ से, लेकिन हमने नहीं किया है। ये वीडियो लिखने में ऐसा वैसा कुछ ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो इसलिए आप अपने मोबाइल में आपको करना है तो कर सकते हो। ये यहाँ से थोड़ा से आपको जैसा चाहे वैसा आप लिख के कुछ भी यहाँ पे एडिट कर सकते हो। ये काइनमास्टर का जो हमने अभी ये ऑडियो वाले दिखा रहे हैं कि इसके ऊपर ऑडियो कैसे सेट किया जाए। अभी हमारा ऑडियो जो ये वीडियो में सेट किया है वो आपको लास्ट में आपको दिखाएंगे। अभी ये वीडियो बना है इसलिए इसमें साउंड हमने
ये पॉज कर दिया है, साउंड डाउन कर दिया है तो साउंड नहीं आ रहा है, तो लास्ट में वीडियो बन जाएगा, उसके बाद आपको एंडिंग में भी साउंड सुनाई देगा, कैसे वीडियो का जो साउंड है वो आपको सुनाई देगा। तो यहाँ पे किस तरह से ये वीडियो का आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह कैसे हमने सेट किया है वो यहाँ से आपको, जो ऑडियो का सिंपल है तो यहाँ से आपको गेट म्यूजिक करके यहाँ से लॉगिन करके नेट के वीडियो भी डाल सकते हो, एसोसिएट्स, तो यहाँ से आपकी खुद की आवाज़ वगैरह कुछ भी डालना चाहते हो वीडियो में डाल सकते हो। ये मेरी खुद की आवाज़ है लेकिन मैंने ये नहीं डाला है, म्यूज़िक डाला है, तो म्यूज़िक भी आप डाल सकते हो, आपको जैसा रखना है वैसा, विलन का एंट्री वाला या जिस तरीके से रखना चाहते हो वैसा आप रख सकते हो। तो मैंने रिकॉर्ड जो पसंद आया वो मैंने रखा है, आप भी रख सकते हो यहाँ से, कोई भी आपको जो अच्छा म्यूज़िक हो वो विलन वाला या कुछ भी आपको जिस तरह से रखना है वो सिलेक्ट करके रख सकते हो। यहाँ पे मैंने मेरा चॉइस का जो म्यूज़िक है वो मैंने सिलेक्ट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे आप स्क्रॉल करके, आपके पास जितने मोबाइल में हैं आपके मोबाइल में म्यूज़िक वगैरह कुछ भी होगा तो वो अपने आप आ जाएगा, नहीं होगा तो आप नेट से भी ये मंगवा के कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने जो म्यूज़िक सेट किया है वो आपको भी पसंद आ जाएगा, तो वो डाउनलोड आप कर सकते हो नेट पर जाके, उसके लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। अभी आपको जैसे ये पूरा ऑडियो वगैरह डाल दिया तो आपको कैसे क्या करना है, तो यहाँ से ऑडियो आपको जो पसंद है वो डाल सकते हो। तो यहाँ पे एल्बम है, आर्टिस्ट है, आपको जो सिंगर का या कुछ भी आप म्यूज़िक वगैरह सॉन्ग कुछ भी सेट कर सकते हो आप जैसा चाहे वैसे वीडियो बना के। तो हमने विलन वाला बनाया था आपको, हम वैसे म्यूज़िक सेट करेंगे। तो यहाँ पे अभी आपको मैं आगे दिखाता हूँ कि कैसे ये वीडियो सेट करके पूरा आपको प्ले करके भी दिखाऊंगा किस तरह से ये म्यूज़िक बजता है इसका, इस वीडियो का मैंने कैसे सेट करके रखा है। तो यहाँ पे ये गाना वगैरह सॉन्ग जो आपको चाहे वो प्लस वाला जो चिन्ह दिख रहा है तो उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये आपके वीडियो में ये जॉइंट वो आपके वीडियो में अटैच हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ये आपको प्लस वाला जो चिन्ह जो पसंद आएगा उसके ऊपर क्लिक करके प्लस वाले पे क्लिक करना है, तभी आपके ये जो वीडियो एडिट कर रहे हो उसमें आ जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो, और इसके बाद ये भी हो जाएगा तो आपको वीडियो एक्सपोर्ट कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको शेयर वाला चिन्ह दिख रहा है तो उसके ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आप एक्सपोर्ट करके वीडियो को पूरा बनने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बन पाएगा अच्छा सा मस्त। तो उसके लिए ये आपको ये पूरा डिटेल मैंने दिखा है अच्छी तरह, और यहाँ से आपका जो मोबाइल में फाइल मैनेजर रहेगा तो उसका भी फोल्डर दिखेगा, ये मेरे मोबाइल का ही शो करवा रहा हूँ, और फोल्डर लिखा है तो उसके ये आपका मेमोरी कार्ड का रहेगा वो आएगा, तो उसका आप कैसे यहाँ से इंस्टॉल करना है वो पूरा दिखाया है मैंने, और कैसे आप अपने खुद की आवाज़ मोबाइल में डालना चाहते हो तो वो भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि कैसे किस तरह से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे पूरा अपने यहाँ पे ये वीडियो में मैंने मेरी आवाज़ कैसे डाली वो भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से अलग से ये मैंने पहले वीडियो बनाया उसके बाद आवाज़ अपने अलग से डाला है तो वो कैसे कर सकते हो उस वो भी दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे अभी ये आप देख सकते हो ये वीडियो अभी पूरा मैं जो बनाया है तो उसको थोड़ा प्ले करके दिख रहा हूँ किस तरह दिख रहा है। तो ऐसा करके हम अभी जो पूरा वीडियो है वो आपको प्ले करके दिखाने वाला है किस तरह के बना है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो ये वीडियो का जो कैप्चर, यहाँ से आप क्लिप वगैरह अलग से ऐड कर सकते हो, यहाँ पे कैप्चर हम फोटो लेंगे कैप्चर एंड सेव, तो ये फ़ोटो ले लिया, उसके बाद आपको वापस यहाँ से ये कैप्चर एंड ऑडियो यहाँ पे आप क्लिप भी डाल सकते हो, और एड लेयर तो अलग से दूसरा लेयर भी सेट कर सकते हो, ये इमेज जैसे मैंने रखा हो और लेकिन मैं रखूँगा नहीं लेकिन आपको करना है इसलिए आपको करना चाहते हो कर सकते हो, इसलिए रखा है, हम इसको डिलीट कर देंगे वापस, लेकिन आपको दिखाने के लिए क्या था डिलीट कर दिया है हमने। और अभी हम आपको ये एक्सपोर्ट कैसे करना है, तो यहाँ पे एक दो तीन तीन नंबर वाला जो है शेयर का ऑप्शन तो उसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो यहाँ से आपका वीडियो जो है ये आपको यहाँ पे HD 7H या यहाँ पे आपको HD वाला रखना है तो वो रख सकते हो, और यहाँ पे बगल में आपको 30 या 25 पल्स या 24 सिनेमा ऐसे आपको जो चाहे वो आपको यहाँ पे लो हाई जैसा चाहे वैसे आपको रख सकते हो, जितनी MB में जैसे कन्वर्ट करना है वैसे। तो ये आपको यहाँ से दिखाएगा किस तरह से आपको वो बनाना है, तो ये HD 500 पिक्सल या आपको 360 पिक्सल्स ये आपको जैसे सिलेक्ट करना है वैसे आप करके इसको एक्सपोर्ट करके आपको इसको यहाँ पे लो दिखा रहा है और यहाँ इस साइड हाई, तो आपको जिस तरह खींच के जैसे बनाना है वैसे बना के यहाँ पे एक्सपोर्ट वाला जो ऑप्शन है तो उसके ऊपर क्लिक करोगे जो प्रोसेस आपको मैं दिखाऊंगा वो कैसे चलता है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक्सपोर्ट वाला जो यहाँ पे जो आपको शो कर रहा है तो ये आपको कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कैसे
आपको ये कंप्लीट होने के बाद आप क्या कर रहे हैं वो दिखाऊंगा। तो ये कंप्लीट होगा उसके बाद आपको मैक्स प्लेयर में वीडियो पूरा ओपन करके आपको दिखाऊंगा किस तरह से ये वीडियो बना है और कैसे इसमें थोड़ा बहुत मैक्स प्लेयर का आपको जो मेरे को आता था वो मैंने वीडियो एडिट करके अपलोड किया आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर भी जो मोबाइल में वीडियो मैं आपको प्ले करके दिखाऊँगा तो देखो आगे, तो प्ले करके हम अभी आपको दिखाते हैं तो आगे वीडियो शो कराएँगे देखो। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो मोबाइल में हम जो वीडियो बना है वो हम मैक्स प्लेयर में ओपन करेंगे। आपके पास जो एप्लीकेशन होगा उसमें कर सकते हो। ये मैक्स प्लेयर में अभी वीडियो ओपन किया, आपको मैं प्ले करके दिखाता हूँ किस तरह का बना है। तो यहाँ पर अभी हम ये ओपन हो चुका है और वीडियो प्ले कर रहा हूँ देखो। आपको जो वीडियो में बताया गया है किस तरह से आपको काइनमास्टर यूज़ करना है पूरा डिटेल दिखाया है। तो इसको वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर करना और साउंड आपके पास नहीं आ रहा तो कमेंट करके बताना और साउंड आ रहा फिर भी कमेंट करके बताना और वीडियो को आगे शेयर जरूर कर देना। आज के लिए बस इतना बोलेंगे, नेक्स्ट मंडे का इसमें लेंगे। थैंक यू गाइस, सी यू अगेन।